प्रोस्पैरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, कौन सा शेयर बनेगा मिडकैप का महारथी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एटीनाउ स्वदेश का टीम। मिडकैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सज्जन जिंदल लेड कंपनी है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एक वेल्थ क्रिएटर इन्होंने किया है। इनके दूसरे स्टॉक्स को अगर देखा जाए, जेएसडब्ल्यू स्टील या जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो हमें लगता है ये स्टॉक में भी यही परफॉर्मेंस रिपीट होगा। एक साल की अवधि के लिए अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं तो करंट प्राइस 250 का है और 12 महीने का लक्ष्य 330 का आता है, जो कि एक 30% का बहुत कंजर्वेटिव मॉडरेट अपसाइड हम कह रहे हैं। कंपनी पोर्ट ऑपरेटर कार्गो हैंडलिंग में फोकस करती है और ये एक स्लो एंड स्टेडी अप मूवर रहेगा। अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी $5 trillion इकोनॉमी बनती है तो ये एक ऐसा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। मिडकैप स्पेस में दूसरा स्टॉक रहेगा SJVN, सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि पावर जनरेशन में है और इसका फोकस, SJVN का फोकस हाइड्रो पावर, जो पानी से बिजली बनती है, उसमें है। और अभी कंपनी दूसरा फोकस कर रही है सोलर पावर, जो कि सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं, उसमें पावर जनरेशन में कंपनी का फोकस है। 120 के करंट प्राइस पर हम 12 महीने का लक्ष्य देते हैं, 40-42% का अपसाइड, 170 का टारगेट SJVN में रहेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, रिन्यूएबल एनर्जी का थीम है, पावर सेक्टर बहुत एक सनराइज इंडस्ट्री के रूप में आ रहा है, इंडिया में पावर का डिमांड बढ़ता चलेगा, इसके चलते SJVN एक पोर्टफोलियो में सेफ स्टॉक रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 170 का टारगेट दिखता है 12 महीने की अवधि के लिए। थैंक यू जी। जी ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अच्छी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद भी ये शेयर चलेगा और SJVN यहाँ भी रफ्तार दिखेगी, लेकिन रफ्तार ये और आगे बढ़ेगी। ये दो बेहतरीन शेयर आपको मिडकैप स्पेस से लॉन्ग टर्म के लिए मिडकैप के महारथी के तौर पर इसी